नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल दिए गए माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी सर के एक बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि नागपुर के मिहान स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थित डसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड के फैक्ट्री में राफेल फाइटर जेट्स को बनाया जाएगा। गडकरी सर के इस बयान के बाद डिफेंस सर्कल्स में जोर चर्चाएं और एक्साइटमेंट्स शुरू हो गई है कि अब शायद भारतीय वायुसेना के MRFA डील पर कुछ प्रोग्रेस होने वाला है। हालांकि भारतीय वायुसेना की तरफ से अभी भी इस डील के एक्सेप्टेंस ऑफ NECCESSITY यानी AONV जारी नहीं हुई है, मगर हलचल अब तेज हो चुकी है। अगर हम थोड़ा पीछे फ्लैशबैक में चले जाए तो 2017 में डसॉल्ट एयरोस्पेस और अनिल धीरूभाई अंबानी रिलायंस ग्रुप में एक करार हुआ, जिसके तहत डसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड DRAL नामक एक जॉइंट वेंचर बनाई गई, जो नागपुर के मिहान स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनाई गई। इस फैसिलिटी में पहले 2020 से डसॉल्ट एविएशन के ग्लोबल सप्लाई चैन के तहत फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट्स के एरोस्ट्रक्चर्स और राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स बनाना शुरू किया गया। द्राल के CEO प्रकाश लूट ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर भारतीय वायुसेना के MRFA एक्विजिशन के तहत 100 से ज्यादा राफेल विमानों का ऑर्डर दिया जाता है तो उन्हें मेक इन इंडिया के तहत द्राल के नागपुर में मिहान SAZ में बनाया जाएगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि डसॉल्ट एयरोस्पेस ने पहले ही इस द्राल जॉइंट वेंचर में अनिल धीरूभाई अंबानी रिलायंस ग्रुप के 51% स्टेक को खरीदने का प्रस्ताव भारत सरकार को सौंपा है। अब नितिन गडकरी सर के बयान से ये साफ नहीं हो पाया है कि वो भारतीय वायुसेना के लिए MRFA के तहत खरीदने वाले राफेल विमानों की बात कर रहे थे या फिर वो डसॉल्ट एयरोस्पेस के ग्लोबल राफेल ऑर्डर को यहाँ नागपुर में बनाने पर बात कर रहे थे, क्योंकि डसॉल्ट एविएशन ने कुछ दिन पहले ये इच्छा भी जाहिर की थी कि वे नागपुर के फैसिलिटी में उनके ग्लोबल कस्टमर्स के राफेल एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स को भी यहाँ नागपुर में रोल आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रश्न उठ जाता है, क्योंकि डसॉल्ट ने ये साफ कर दिया था कि राफेल की मैन्युफैक्चरिंग नागपुर में शुरू करने के लिए भारतीय वायुसेना का ऑर्डर मिलना यहां पर अनिवार्य है, और वो भी 100 से ज्यादा संख्या में ऑर्डर। अब यहां पर दो सवाल उठते हैं, क्या भारतीय वायुसेना के MRFA एक्विजिशन पे राफेल को ऑलरेडी विजेता चुन लिया गया है, जिसका औपचारिक घोषणा होना बाकी है, और दूसरा प्रश्न है कि क्या फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन के भारत दौरे के दौरान आखिरी 2-3 दिन में इस विषय पर कुछ बातचीत हुई है, जिसके बाद नितिन गडकरी जी का ये बयान सामने आया? ये दो बड़े प्रश्न है जिसके उत्तर हमें आने वाले समय में अवश्य मिल जाएंगे, ये हम आशा करते हैं। और जैसा कि हमने आप सभी को पहले भी कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ी डील होना असंभव है, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद अगर वर्तमान सरकार की वापसी होती है तो इस विषय पर कुछ बड़ा सिद्धांत लिया जा सकता है, और हमें कई सूत्रों के माध्यम से यही जानकारी मिल रही है। इसका मतलब ये साफ है कि भारतीय वायुसेना के MRFA एक्विजिशन पर इसी साल कुछ न कुछ बड़ा अपडेट हमें देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।